हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए मल्टीप्लिकेशन ट्रिक लेके आई हूँ। तो कुछ डिजिट का मैं फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आज लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन क्या है, 402। ओके, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये तो बहुत सिंपल है, पर इसको मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊँगी। ट्रिक से तो क्या हो गया, 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10। ये ट्रिक बीच में अगर 0 रहेगा तो उसी नंबर में ये ट्रिक फॉलो होगा। ओके, हर डिजिट में, हर मल्टीप्लाई में ये ट्रिक फॉलो नहीं हो सकता है, ट्रिक आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। 2 5 10 हुआ, इसको 4 5 20। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 305 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 9 कितना हुआ, 45, और 3 9 27, है ना, बहुत सिंपल। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 809 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, और लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। 6 9 कितना हुआ, 6 9 कितना हुआ, 54, और 8 6 कितना हुआ, 48। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th, 907 into 3। ओके, इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 7 कितना हुआ, 21, 9 3 कितना हुआ, 27। ओके, मेरा 5th क्वेश्चन क्या हो गया, 604 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, 7 4 7 कितना होता है, 28, 7 6 कितना होता है, 42। फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल 2 से लेकर 20 तक टेबल याद लर्न करना होगा। ओके, मेरा 6th क्वेश्चन क्या है, जिसको टेबल याद रहेगा उसका फास्ट कैलकुलेशन होगा, क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 506 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, 6 4 24, 5 4 20, है ना। 7th क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, 302 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, 2 5 कितना हुआ, 10, 3 5 15। ओके, मैं 8th क्वेश्चन क्या हो गया, 8th क्वेश्चन 801 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 1 का 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 4, पर इसको 2 डिजिट में लिखना है। तो 04 लिख दिए, 8 4 कितना हुआ, 32। ओके, अब मैं 9th क्वेश्चन क्या हो गया, 9th क्वेश्चन 203 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 3 कितना हुआ, 9, पर इसको 2 डिजिट में लिखना है। 09 हो गया, और 3 2 6। ओके, इसको 6 लिखें, यहाँ 0 लिखे कोई मतलब नहीं, इसलिए हम इसको 6 लिख दिए। ओके, अब इसको चेक करते हैं, 3 3 9 की 0, 3 3 9, फिर 3 में 0 मल्टीप्लाई की 0, 3 2 6, यानी हमारा आंसर सही है। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा, 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 704 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 704 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया, 2 4 जाए कितना हुआ, 8, पर इसको 2 डिजिट में लिखेंगे, 08, 7 2 जाए कितना हुआ, 14। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ।